नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो हम आयोडीन युक्त नमक की एडवर्टाइजमेंट सुनते आ रहे हैं, किस प्रकार से जो आयोडीन युक्त नमक है कितना खतरनाक है हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए। इट इज वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। और विशेष रूप से ऐसे लोग जो नमक, विशेष रूप से हमारे इंडियन कल्चर में देखता हूँ, सलाद रखेंगे, सलाद के ऊपर को नमक डालेंगे, अननेसेसरी का नमक सब्जी में डालते रहते हैं। नमक, विशेष रूप से जो नमक हम खाते हैं, आयोडीन युक्त नमक या जो भी आप बाजार से लेके नमक खाते हैं, वो जहर की तरह काम करता है। और वो सफेद नमक आपको बीमारियों के ग्रसित करने में बहुत ज्यादा लाभकारी है, बहुत ज्यादा कारगर है। तो इसीलिए यदि आप बीमार होना चाहते हैं, हम जैसे डॉक्टरों के घर बनाना चाहते हैं, उनको फलता फूलता देखना चाहते हैं, तो ये आयोडीन युक्त सफेद नमक जरूर खाइए, ताकि आप बार बार बीमार पड़े, आपको बीपी हो, आपको हार्ट अटैक हो, आपके लीवर किडनी में दिक्कतें आए और आप हमारे रोगी बनके रहें। तो आपको मुबारक है। अगर आप बीमार रहना चाहते हैं तो आप इसको खाते रहिए। और यदि आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तो पहली बात तो नोट करने वाली है, नमक अननेसेसरी एक्स्ट्रा किसी भी चीज पे नहीं डालना चाहिए। किसी भी फ्रूट्स पे या सलाद पे नमक लगा के कभी भी मत खाइए, जरूरत नहीं है, उससे आपको नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं। दूसरा, अगर नमक खाना भी है तो सेंधा नमक खाइए, काला नमक खाइए, और वो भी लिमिटेड मात्रा में, वो भी अननेसेसरी एक्स्ट्रा मात्रा में यूज नहीं करना। वो डाइजेशन में भी मदद करता है और आपके शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं उनमें कारगर तरीके से काम करता है। तो इसीलिए सेंधा नमक आप थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, वो भी ज्यादा मात्रा में नहीं यूज करना, उसको भी लिमिटेड मात्रा में ही यूज करें। आपको भूख कम लगती हो या खाया पिया बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता, तो थोड़ा बहुत सेंधा नमक आप एक्स्ट्रा मात्रा में यूज कर सकते हैं, जो आपको बीमारियों से भी बचाएगा और बीपी की यदि आपको समस्या है या थायराइड की समस्या है, इन समस्याओं में भी आपकी मदद करेगा। तो मेरी प्रार्थना है कि आप जो सफेद नमक है उसको अपने भोजन से बाहर कर दीजिए, अननेसेसरी एक्स्ट्रा नमक कोई भी मत यूज कीजिए, और यदि आप बीमार नहीं होना चाहते तो सेंधा नमक का प्रयोग आज से ही अपने घर पे काला नमक या सेंधा नमक यूज करना शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम।